नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं हरविंदर सिंह और आप देख रहे हैं हमारा चैनल प्रॉपर्टी अपडेट्स। सेक्टर 125 में हम खड़े हुए हैं और कुछ लोग कह रहे थे कि सेक्टर 125 में लो बजट की कोठी दिखाइए, 40 लाख के आसपास। तो उसी डिमांड को पूरा करने के लिए हम जहां खड़े हैं वो सेक्टर 125 है, बिल्कुल पीछे ही सनी इनक्लेव का जो गुरुद्वारा साहब है, ओल्ड सनी इनक्लेव का, वो हमारे पीछे ही है। इस तरफ आप देख सकते हैं कि सारे घर यहाँ पे बसे हुए हैं और सड़क के दूसरी तरफ भी कैमरा घुमा के आपको दिखाते हैं कि दूसरी तरफ भी पूरी पॉपुलेशन है और ये हाईली पॉपुलेटेड एरिया है। अब बात आती है कि आपको जो दिखाना है, ये सामने एक एलिवेशन जो आपके सामने है, ग्राउंड पे वन बेडरूम है और फर्स्ट फ्लोर पे दो बेडरूम है। तो ये तीन बेडरूम की कोठी है, 80 गज इसका साइज़ है और फ्रंट इसका ऑलमोस्ट 20 फुट से ज़्यादा है। यहाँ से हम देखेंगे तो 20 फुट से ज़्यादा इसका फ्रंट है। अब हम अंदर चल के देखते हैं कि अंदर इसके क्या क्या है। अभी कल ही आंधी आई तो थोड़ा पत्ते वगैरह यहाँ आ गए हैं, तो यहाँ पे एक गाड़ी की पार्किंग यहाँ हो सकती है और दरवाज़ा बाहर को भी खुलता है, तो उस एंगल से यहाँ एक गाड़ी की पार्किंग हो सकती है और टू व्हीलर भी हो सकते हैं। जैसे ही हम यहाँ से एंटर करेंगे, बाहर से सीढ़ियाँ दे रखी हैं और एंट्री के ऊपर ही खुला ड्राइंग रूम बना हुआ है, जिसके साथ एक वॉशरूम भी है, ताकि गेस्ट अगर यहाँ बैठता है तो वॉशरूम वो ये यूज़ कर सकता है। तो इस वॉशरूम को हम एज ए टॉयलेट सीट लगाकर भी यूज़ कर सकते हैं और इसमें बाथिंग जो है वो प्रोविज़न नहीं है, खाली इसमें टॉयलेट को यूज़ कर सकते हैं। यहीं पे ही सोफ़ा लगाकर यहाँ पे एलईडी पैनल ऑलरेडी लगाया हुआ है, वॉलपेपर शानदार ऑलरेडी लगा हुआ है। तो ये एलईडी पैनल है, यहाँ पे अगर हम अपना लिविंग एरिया इसको यूज़ करते हैं तो काफ़ी बड़ा लिविंग एरिया है। इसको हम डाइनिंग ड्राइंग दोनों इकट्ठा कॉम्बिनेशन से यूज़ कर सकते हैं। अब इसमें एक ही बेडरूम है तो जो यहाँ पे है, तो बेडरूम बहुत खुला है। अगर हम बेड लगा दें तो तकरीबन ये 15 फिट के आसपास का जो इसका साइज़ है, 15x12 का मेन मास्टर बेडरूम है। और इसमें खास है कि ये फुल लेंथ कबर्ड्स हैं और स्लाइडिंग कबर्ड्स हैं, ताकि आपको मैक्सिमम यूज़ करने वाली यहाँ पे स्पेस मिल जाए। और इसी के अंदर ही एक शानदार ड्रेसिंग है, वो भी आप हमारे कैमरामैन दिखा देंगे कि सामने जो ड्रेसिंग है वो बड़ा शानदार। और ये जो ड्रेसिंग है ये फुल लेंथ, इसमें मिरर लगा हुआ है और इसके अंदर भी स्टोरेज की स्पेस दे रखी है। अब ये रूम मास्टर बेडरूम है, इसी के साथ वॉशरूम है, ये भी मास्टर वॉशरूम आप कह सकते हैं। इसके अंदर नहाना और वॉशरूम दोनों हो जाएगा और पीछे यहाँ पे वॉशिंग एरिया दिया है। यहाँ से इस कमरे को लाइट भी आ रही है और इसके अंदर ऑलरेडी वायरिंग वगैरह करके ऊपर फॉल सीलिंग कर दी गई है। तो इसके पीछे एक जाल लगाया है ताकि ऊपर से नीचे आपको रोशनी और धूप दोनों मिल सके, और पीछे वॉशिंग मशीन के लिए जितनी स्पेस चाहिए होती है उससे ज़्यादा स्पेस ही यहाँ पर दी हुई है। तो ये 85 गज में बना हुआ ये 1 BHK नीचे है और दो बेडरूम इसके ऊपर है। अब आती है यहाँ पे किचन। किचन यहाँ पे मॉड्यूलर है और जो मॉड्यूलर किचन में सामान लगता है वो सब यहाँ है, और ये वैसे ही यहाँ पे कबर्ड्स बने हुए हैं। अब इसमें आजकल एक ट्रेंड है कि क्रॉकरी की अलमारी चाहिए होती है, तो ये क्रॉकरी की अलमारी के हिसाब से ये बना दी गई है। इसमें आगे ग्लास रख के अंदर इसको पार्टीशन कर दी गई है और इसके अंदर हम क्रॉकरी वगैरह रख सकते हैं। आरओ की प्रोविज़न है यहाँ पे, चिमनी की सामने प्रोविज़न है यहाँ पे, ये हम यहाँ पे लगा सकते हैं। तो ये 1 बेडरूम हो गया ग्राउंड फ्लोर, और फर्स्ट के ऊपर अब चलते हैं हम। फर्स्ट फ्लोर पे 2 बेडरूम है, तो जो हमारी रिक्वायरमेंट होती है 3 बेडरूम की वो यहाँ पर पूरी आ जाएगी। तो ऊपर ये बालकनी स्टील की रेलिंग यहाँ पे ऑलरेडी लगा दी गई है, और इस बालकनी का जो व्यू है ये वेस्ट फेसिंग लग रहा है, शायद साउथ फेसिंग होगा। और फर्स्ट पे आते ही एंट्री पे ही ये एक रूम है, इसका साथ में अटैच यहाँ पे वॉशरूम है,
और इसमें भी वॉलपेपर प्लस फॉल सीलिंग लगा दी गई है। 8 फिट का दरवाजा है, 3.5 फुट चौड़ा, तो ये ऊपर आने के लिए ये काफ़ी अच्छा है। और बाहर सामने यहाँ से वेंटिलेशन ऑलरेडी आ ही रही है, तो जो नीचे किचन थी, किचन के ऊपर ये स्पेस दे दी गई है कि अगर हम यहाँ पे भी किचन बनाना चाहें तो टैब यहाँ पे कनेक्शन करके छोड़ दिए गए हैं। यहाँ पे आजकल रेडीमेड किचन का जो कबर्ड्स आते हैं वो आ जाते हैं, हम यहाँ पे वो लगा सकते हैं, यहाँ से वेंटिलेशन भी रहेगी। अब इसके अंदर एक ये वाला रूम हो गया, दूसरा ये वाला रूम हो गया, इसके अंदर भी सेम कबर्ड यहाँ पे बना दी गई हैं, स्लाइडिंग है और फॉल सीलिंग इसके अंदर भी है। तो इस एंगल से देखा जाए तो ये 2 फिट की टाइल है, तो ये 12 फिट इस तरफ है और इस तरफ ये 12 फिट है, तो 12x12 का ये रूम जो है ऊपर भी फर्स्ट पे, तो ये रूम हो गया, इसका अटैच वॉशरूम यहाँ पे आ गया, तो ये बेडरूम का अटैच वॉशरूम यहाँ आ गया और इस वाले बेडरूम का, ये इसको हॉल भी बोल सकते हैं या बेडरूम भी बोल सकते हैं, ये इसका वॉशरूम यहाँ आ गया। या यूं कहें कि छोटी फैमिली के लिए ऊपर भी एक पोर्शन तैयार है इसको, क्योंकि ड्राइंग रूम नीचे बन गया था तो ये वाला जो एरिया है इसको हम ऊपर बेड लगाकर रेंट पे भी दे सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे रेंटल इनकम काफ़ी अच्छी है, शहर के बीच का एरिया है। तो एक स्मॉल फैमिली है अगर, उसके लिए किचन में यहाँ पे किचन बन जाएगी, 2 बेड हो जाएंगे, 2 वॉशरूम हो जाएंगे ऊपर फर्स्ट फ्लोर पे, और नीचे वाला एरिया है वो हम खुद भी यूज़ कर सकते हैं। ये वाला ऊपर वाला एरिया अगर हम रेंट पे नहीं देना है तो बच्चों के लिए भी ये जो ऊपर का फ्लोर है ये काम में आ सकता है, और सीढ़ियाँ बाहर से ही हैं और इसके ऊपर एक और फ्लोर हम बना सकते हैं जब भी हमारा दिल करे। तो ये ग्राउंड और फर्स्ट 2 फ्लोर का घर है, 85 यार्ड इसका साइज है, शुरू मैंने 80 बोल दिया था लेकिन ये 85 यार्ड है, और इसके अंदर ग्राउंड पे 1 बेडरूम हॉल ड्राइंग किचन है और फर्स्ट फ्लोर पे 2 बेडरूम है, दूसरे बेडरूम को हम हॉल भी कह सकते हैं। तो इसकी प्राइस जो है 40,90,000 है, तो 40,90,000 जो प्राइस है ये इस मार्केट के हिसाब से जेन्युइन प्राइस है, क्योंकि ये सेक्टर 125 है, न्यू माता गुजरी है और ये सन इनक्लेव के गुरुद्वारे के पास में ही है, और जो मेन मार्केट है यहाँ आसपास सारी पास में ही है, और ये पॉपुलेटेड एरिया है, पुराना एरिया है, पीसफुल एरिया है, और आपको यहाँ पे मेन रोड पे जाने के लिए तकरीबन 1 किलोमीटर पे नेशनल हाईवे जो है वो आपको यहाँ से मिल जाएगा, और पीछे अगर हम 1 किलोमीटर जाएंगे तो पीछे हमें 200 फिट की रोड मिल जाएगी, और राइट हैंड साइड पे जाएंगे तो हमें झुंगिया रोड मिल जाएगी, लेफ्ट हैंड साइड पे हमारी रिलायंस फ्रेश वाली रोड आ जाएगी। तो ये बिल्कुल सेंटर में पड़ता है और फ्रेश बना हुआ है, अभी फर्स्ट टाइम कोई इसमें रहा नहीं है, तो एक फ्रेश जो फीलिंग आती है कि रीसेल में नहीं है, पुराना घर नहीं है, बिल्कुल नया बना हुआ है, नई कंस्ट्रक्शन है और नया ही बिल्कुल बनाया गया है, और 40,90,000 इसकी डिमांड है। थोड़ा बहुत डिस्काउंट जब हम टेबल पर बैठेंगे तो हो जाएगा। तो जो लोग 40 लाख के आसपास सेक्टर 125 में घर ढूंढ रहे थे उनके लिए एक अच्छी ऑप्शन हो सकती है, स्मॉल फैमिली हो बड़ी फैमिली हो, दोनों ही रिक्वायरमेंट जो है वो यहाँ पे सूट होती हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली बार एक नई वीडियो में एक नई प्रॉपर्टी के साथ। धन्यवाद।